ज्वाइन करते ही गोपालगंज के नए एसपी अवधेश दीक्षित एक्शन में आ गए हैं। आज पहले ही दिन कुचायकूट चेक पोस्ट पर जाकर छापेमारी किए। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा वो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल गोपालगंज में नए एसपी अवधेश दीक्षित आए हैं। उन्होंने आज पहले दिन ऑफिस में जाने के बाद से ही छापेमारी शुरू कर दी है। यादवपुर थाना और फिर कुचायकूट के बलथरी चेक पोस्ट पर भी छापेमारी किए। वहां जाने के बाद उन्होंने सभी चीजों का जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग गड़बड़ी करेंगे उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर निश्चित ही कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ से ज्यादा मात्रा में शराब तस्करी उसी रास्ते होती है, जिसको लेकर विशेष नजर रखी जाएगी। वहां पर लगे स्कैनर का भी उन्होंने खुद जायजा लिया है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि वहां एसपी के पहुंचने के बाद हड़कंप मच गई है। उन्होंने चेतावनी दे दिया है कि किसी भी हाल में शराब तस्कर या फिर क्राइम करने के लिए अगर कोई हथियार जाता है तो उन्हें हर हाल में पकड़ लेना है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। वसूली को लेकर भी उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि चेक पोस्ट पर वसूली नहीं होनी चाहिए। सीसीटीवी सहित अन्य भी गुप्त रूप में निगरानी रखी जाएगी। गोपालगंज के नए एसपी अवधेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पूरी तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आते ही एक्शन में दिखने लगे हैं। तबतोड़ सभी थानों पर उन्होंने विजिट किया है और जो पेंडिंग पड़े केसेस है उस पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि क्रिमिनल की कमर को तोड़ देंगे, किसी भी हाल में क्रिमिनल को पनपने नहीं दिया जाएगा। हर क्रिमिनल पर विशेष नजर रखी जाएगी, अगर कोई क्राइम करता है तो उसे हर हाल में दबोच लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर जब चेकपोस्ट पहुंचे थे क्या कुछ कह रहे हैं नए एसपी, जरा सुन लीजिए। कि गोपालगंज एक सीमावर्ती जिला है और जितना भी दिल्ली से या फिर जो मेन जो वाहन अंदर एंट्री करते हैं यूपी वाली साइड से, वो इसी रूट से NH-27 से एंट्री करते हैं और ये एक हॉटस्पॉट रहा है हमेशा से शराब कारोबारी। सरकारी की भी हमेशा से प्राथमिकता रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले से काफ़ी टाइम से इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट चलाए गए। ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहले मैं किसी को विजिट किया और देखा है कि किस तरह से काम हो रहा है इधर, और यहाँ पे आकर के सब लोगों को मैसेज दिया गया है कि अगर किसी भी इस तरह का अगर कोई भी गड़बड़ होता है या फिर कोई भी अगर कंप्लेन आती है तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारी शराबबंदी और इंटीग्रेटेड उस पर चेकिंग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया गोपालगंज की पुलिसिंग अब कैसे हो रही है। पहले दिन ही एक्शन में गोपालगंज के एसपी दिखे हैं, यानी गोपालगंज की जनता की उम्मीद वैसे ही बरकरार रहेगी। खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम थावे रोड गोपालगंज। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।